अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर भारत सरकार ने बाघों की गणना के आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बाघ हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 885 है। आंकड़े आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश एक बार फिर टाइगर स्टेट बन गया है। आप सभी प्रदेशवासी सजग और सतर्क रहकर मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के काम में सदैव सहयोग करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन गौरव का है। हम फिर टाइगर स्टेट बन गए हैं। प्रदेश काफी आगे निकल चुका है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। वाइल्ड लाइफ को बचाने के काम में जुटे सभी समाज सेवियों व विशेषकर घने जंगलों में रहकर लाठी लेकर पैदल घूमते हुए जो टाइगर और बाकी वन्य प्राणियों को बचाने के लिए लगे रहते हैं, ऐसे वन रक्षक, वन क्षेत्रपाल महावत जो आधी जिंदगी जंगलों में काट रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश की जनता हमारी ऐसी है कि वन्य प्राणियों को बचाने में सदैव अपना योगदान देती है। मध्य प्रदेश अब सिर्फ टाइगर स्टेट ही नहीं है, बल्कि तेंदुआ स्टेट, घड़ियाल स्टेट और वल्चर स्टेट भी है। सर, मित्रों बधाई। आप भी सदैव आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गरिमामय दिन है। आज हम वन्य प्राणियों, मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। आप सजग और सतर्क रहकर मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के काम में आप भी सदैव सहयोग करते हैं। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। हम फिर टाइगर स्टेट हैं और 4 साल पहले जो टाइगर्स की गणना हुई थी उसमें 526 टाइगर हमारे यहाँ थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ के 785 हो गई है। मध्य प्रदेश अब काफ़ी आगे निकल गया है। मैं आज 9 करोड़ प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, वन विभाग का अभिनंदन करता हूँ, वाइल्ड लाइफ को बचाने के काम में जुटे सभी समाज सेवियों का और विशेषकर घोर घने जंगलों में रहकर लाठी लेके पैदल घूमते हुए जो टाइगर और बाकी वन्य प्राणियों को बचाने के काम में लगे रहते हैं, वैसे वन रक्षक, वन क्षेत्रपाल महावत जो आधी जिंदगी जंगलों में काट रहे हैं, आधी से ज़्यादा जिंदगी, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन बिना समाज के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। कभी कभी अप्रिय घटना के बावजूद भी मध्य प्रदेश की समाज, हमारी जनता ऐसी है जो वन्य प्राणियों को, विशेषकर टाइगर को बचाने में सदैव अपना योगदान देती है। मध्य प्रदेश आज टाइगर स्टेट है, तेंदुआ स्टेट है, घड़ियाल स्टेट है, हम वल्चर स्टेट भी हैं। वन्य प्राणियों को बचाने के काम में मध्य प्रदेश का स्थान आज बहुत अहम है। एक बार मैं फिर सबको बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।